अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये इंक पॉट में इंक को कैसा लेते हैं और फिर इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये इसमें जो धागा होता है इसको हम लिका कहते हैं। ये सिल्क का भी होता है और सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। और ये इंक पॉट आप ऐसे यूज़ करें जिसमें कलम आसानी से डिप हो सके, ऐसे और ऐसे इस टाइप की आपको यूज़ करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें वाटर ऐड करते हैं। इसमें वाटर आपको थोड़ा से ऐड करना है। मतलब कि ये धागा हल्का सा गीला हो जाए, इस हिसाब से हमको इसमें वाटर ऐड करना है। ये करने के बाद में हमें जो इंक है ये इंक को पहले थोड़ा शेक कर लेना है और उसके बाद में इसमें आपको 5 से 6 ml इसमें इंक को ऐड करना है। ये देखिए आपको ये इंक को ऐसे ऐड करना है। ये इंक को हमने ऐड कर दिए। अब इसे हम कलम से भी मिक्स कर सकते हैं या आपके पास कुछ टूल्स होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। अक्सर असातिज़ा के यहाँ पे एक जानवर का काटा होता है तो उससे मिक्स करते हैं। ये वो जानवर का काटा है जिससे मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको ऐसे मिक्स करना है कि मतलब पूरा धागा इसमें इंक पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। ये करने के बाद आपका इंक पॉट अभी लिखने के लिए तैयार है।